बरेली जोन के 8 जनपदों में 14 फरवरी को विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 48 विधानसभा क्षेत्र में करीब 11,232 पोलिंग सेंटर्स और 20,402 मतदेय स्थलों पर कल इन 8 जनपदों में मतदान संपन्न होना है। इसके लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। करीब 4,451 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, 39,120 हेड कांस्टेबल, 29,868 होमगार्ड और 830 पीआरडी जवान, ये सभी विभिन्न मतदान केंद्र पे सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ 704 कंपनी सीएपीएफ दल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीपीपी, एसएसबी, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस से आए हैं। ये 704 कंपनी सीएपीएफ विभिन्न मतदान स्थल पर तैनात की जा रही है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीएपीएफ की उपस्थिति रहेगी। इन मतदान केंद्र पे इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमारी कई मोबाइल्स चल रही हैं जो मतदान केंद्र और उसके आसपास के लॉ एंड ऑर्डर को और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। पूरे जोन में करीब 308 क्यूआरटी मोबाइल्स भ्रमणशील रहेंगी। जोनल पुलिस ऑफिसर्स 200 और 1,554 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की मोबाइल, इसके अतिरिक्त 155 थाना मोबाइल्स, ये लगातार भ्रमणशील रह करके पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ साथ हमने विगत 2 दिनों से जितने भी बैरियर्स हैं हमारे बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद के जो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर है, उन पर हमारे 38 जगहों पर बैरियर स्थापित करके राउंड द क्लॉक चेकिंग हो रही है। विद इन डिस्ट्रिक्ट हम इंटर डिस्ट्रिक्ट करीब 164 बैरियर स्थापित किए हैं जहाँ पर राउंड द क्लॉक चेकिंग हो रही है, जिससे कि अवैध शराब और अवैध अन्य चीज़ों का आवागमन पे अंकुश लगाया जा सके। पुलिस की तरफ से कल चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था है। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी पोलिंग सेंटर्स पर रहेंगे उन सबको कोविड किट उपलब्ध कराई गई है और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ही हम सभी को ये विधानसभा चुनाव संपन्न कराना है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति को निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था बरेली एयरपोर्ट पर की गई है। इसके साथ साथ मुरादाबाद पुलिस लाइंस में एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी रहेगी जो कि पूरे जोन में किसी भी आपातकालीन परिस्थिति को निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी कल चुनाव के दिन। मैं आप सभी को जो हमारे 8 इस जोन के 8 जनपद जहाँ पर कल मतदान संपन्न हो रहा है, सभी से मैं अपील करूँगा कि आप निर्भीक होकर के स्वतंत्र तरीके से घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। पुलिस पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भी गड़बड़ी करेंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे ऐसे मौके पर, ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रभावी पुलिस व्यवस्था है और किसी भी दशा में ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। अंत में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भी हम लोग की सतर्क दृष्टि रहेगी। सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, इस पे अगर कोई भी अव्यवस्था फैलाता है या कोई गड़बड़ी वाली अफवाह फैलाता है तो उनको भी हम लोग चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे।